अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर से होंगे। कहते हैं कि अल्लाह पाक जिस भी हाल में आपको रखे हमेशा शुक्र अदा किया करें। तो आज का थंबनेल देख के तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे साथ क्या हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको सारा ब्लॉग में डिटेल से बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम पानी पी रहे, अभी मैं थोड़ा सा पानी पी रही थी। घर से भी बाहर जाना है, वॉक भी करना है, सारा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए, अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को जल्दी से, और वीडियो को भी लाइक कर दें। किधर जाना है हमें ये तो मुझे भी पता नहीं है कि किधर जाना है। अभी मैं जा रही हूँ मियाँ जी, आपको छोड़ के चली जाऊँ। चली जाए भाई, हमें कोई एतराज नहीं है, मेरे पास ही वापस आ जाए, इधर उधर से घूम के छोड़ छाड़ के तोड़ फाड़ के। Oh, we are right now out of our home. क्यों? For what? For what? हम वॉक करने आए भाई, वॉक करने आए, देखते हैं कि माहौल कैसा है। बाहर तो वेदर जो है ग्रूमिंग 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 लग रहा है। ये क्या होता है ग्रूमिंग ग्रूमिंग? इसका पता मुझे भी नहीं पता, ऐसे आ गया बस ग्रूमिंग ग्रूमिंग मूड में आ गया, मुंह में आ गया, जबान पे चढ़ गया, चढ़ गया तो निकल गया, उल्टी कर दी। ये नेहर देख रहे हो, ये वाली नेहर देखें, मैंने कहा ये वाली नेहर देख रहे हो, देख तो रही है। अगर मैं इसमें आपको फेंक दूं तो फेंक दो, कौन सी बड़ी है, बड़ा मजा आएगा, 4 फीट भी नहीं होगी। ये देखो मियाँ जी पिंपल कितना बड़ा निकला, ये वाला देखो, ये गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, आपकी वजह से ही निकल रहे हैं। वक्त के साथ, हमें काटता थोड़ी हूँ तुम्हें। तो मियाँ जी मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखें कितना प्यारा माहौल है, आज की तो इतनी शाम हसीन है कि आपको क्या बताएं, और आज के वॉक करने का मजा ही कुछ अलग होगा, है ना मियाँ जी? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आप तो इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। आप अकेले अकेले करती थी, हाँ, तो आज हाथ में हाथ है। तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि हमारा जो थंबनेल था और उसमें हमने ये जो मेंशन किया हुआ है कि मियाँ जी की जॉब चली गई है, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? भाई मेरी जॉब गई नहीं है, मैं जॉब अपनी छोड़ के आया हूँ अपनी मर्जी से। क्यों छोड़ी है आपने, क्या हो गया था कि जॉब छोड़नी पड़ी? ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी? सबसे बड़ा रीजन, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अरे मिस करने की वजह से आपने जॉब भी छोड़ दी? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी मिसेज की मिसिंग हो रही थी ना, याद आ रही थी मेरी। हाँ। तो अब क्या करेंगे, किधर से मुझे खिलाओगे पिलाओगे, अब क्या करेंगे, मेरे खर्चे कौन उठाएगा भाई, अब कौन उठाएगा? वो बात बताओ ना इनको। आप नहीं बताओगे? चले हम बता, मैं ही बता देती हूँ। एक्चुअली व्यूवर्स क्या हुआ है कि मियाँ जी का जो 17 ग्रेड का पोस्ट था एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो उसका जो रिटन टेस्ट था मियाँ जी ने क्वालिफाई कर लिया है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मियाँ जी का जो इंटरव्यू था वो क्लियर हो गया है, और अभी मियाँ जी आए हैं। तकरीबन अभी 1 महीना हुआ है कि मियाँ जी ने जॉब छोड़ दी है अपनी, और इंशाल्लाह तमाम जल्द मियाँ जी हो जाएंगे गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर। ये भी बताओ ना कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, मियाँ जी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आज मियाँ जी का मूड तो चेक करें भाई, कितना अच्छा है मूड मियाँ जी का, क्योंकि अभी मियाँ जी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अभी रेस्ट करके आया हूँ। तो व्यूअर्स अब देखें मियाँ जी को, मियाँ जी कितने फ्रेश लग रहे हैं, क्या राज है मियाँ जी? राज ये है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता हूँ, और पूरी नमाज भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और अच्छे तरीके से पढ़ता रहता हूँ, पूरा दिन पूरी रात पढ़ता रहता हूँ, और रेस्ट का टाइम मुझे बिल्कुल पूरा मिलता है। वहाँ पे हेक्टिक सिचुएशन हुआ करती थी जब मैं पहले जॉब कर रहा था, और इतना अच्छा खाना पीना, घर का साफ सुथरा खाना, और इतने हरे भरे, ये देखें हरे भरे खेत, और ऐसा प्यारा माहौल, और ये मेरा शहजादा मियाँ जी, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और मियाँ जी ने अपनी स्लीपर्स पहन के वॉक कर रहे हैं, क्योंकि जॉगर्स में पता नहीं मियाँ जी को क्या मसला है, क्या मसला है आपको? गर्मी ज्यादा है, एक तो इस वक्त गर्मियों में जॉगर्स नहीं पहनता। तो चलिए व्यूवर्स, इंशाल्लाह सारा ब्लॉग आपको मजा देने वाला है, तो घर जाके भी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे साथ रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। तो ये देखिए प्यारे नाज़रीन, आज के मनाज़िर कितने ज़्यादा हसीन हैं और प्यारे हैं, दिलकश हैं। तो चलिए अभी हम घर चलते हैं, लेकिन घर चलने के बाद भी एक सरप्राइज है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा प्यारा शोहर मुझे लेके आगे आया आइसक्रीम खिलाने के लिए, क्योंकि मैंने मियाँ जी से अचानक फरमाइश कर दी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, बड़ा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का। तो ये देखें फाइनली हम आ गए हैं आइसक्रीम। देखिए व्यूअर्स, इधर बन रहा है हमारा आइसक्रीम, और इधर हम खा रहे हैं, भाईजान को भी लेके आए हैं, और मेरा भतीजा उसको भी साथ ही साथ लेके आए हैं। बड़ा मज़ा आता है फैमिली के साथ घूमने फिरने में और खाने पीने में। तो ये देखिए मैं मास्क पहन के आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे और लोग जानने वाले होते हैं, तो हर कोई आके सलाम दुआ करता है, तो इस वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है। तो अभी देखें हम जा रहे हैं
अभी हम घर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला कल का व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब हम डेली व्लॉग बनाएंगे। और ये देखें, ये मेमन का फालूदा है, जहाँ पे हम आए थे फालूदा खाने, और इनका माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ना फेमस फालूदा है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और ज़रूर ट्राई करें। ये रेशम गली मतलब शाही बाज़ार में है, ठीक है व्यूवर्स, तो ज़रूर इनको आके ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छा। तो देखिए व्यूवर्स, रात हो गई है, अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अभी अजानें आ रही हैं, मगरिब की अजानें आ रही हैं। तो चलिए ठीक है व्यूवर्स, बाय।